नमस्कार स्टूडेंट्स ऑफ बीटेक एफबीटी 91 बीएससी एफएसटी 91। टुडे सेशन टॉपिक ऑफ योर कोर्स सेंसरी इवैल्यूएशन इज सेंसरी लैब सेटअप एंड इक्विपमेंट्स। सो स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन पार्ट, जब भी लैब सेटअप करी जाती है किसी भी सेंसरी इवैल्यूएशन के लिए तो कुछ पॉइंट्स हमें जो ब्रीफ रखने होते हैं वो क्या-क्या है। जो लैब सेटअप्स होते हैं नॉर्मली किस-किस के कंपैरेटिवली होते हैं वो, फर्स्ट इज अ रिसेप्शन कम ब्रीफिंग रूम, सेकेंड इज अ पैनल रूम एंड थर्ड इज अ प्रिपरेशन रूम। सेकेंड पॉइंट, सेंसरी इवैल्यूएशन शुड बी कैरिड आउट इन क्वाइट एंड वेल लाइटेड रूम फ्री फ्रॉम एनी अडर। ठीक है, मतलब वहां पे कोई भी ऐसा आपका कोई भी ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड या फिर कोई ऐसा अडर अडर फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए जिससे कि जो आपकी फूड की स्मेल है, जो फूड का अरोमा है, वो किसी दूसरे अरोमा के रिस्पेक्ट में आके डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो और लाइटिंग जो होनी चाहिए रूम में वेल लाइटेड होनी चाहिए, कहीं भी ग्लेयर्स या फिर कहीं भी बहुत ब्राइट लाइट नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी वेल लाइट होनी चाहिए जिससे कि आप उसका कलर, उसके अपेयरेंस अच्छे से जज कर सके। थर्ड इज प्लीजिंग द नेचुरल शेड एंड मेंटेनेंस ऑफ कंफर्टेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन ऑफ लैब लैब सेटअप आर डिजायरेबल। ठीक है, मतलब कि आपकी ह्यूमिडिटी कंडीशन क्या होती है, जो ऐसे आपका जितना भी ह्यूमिड एनवायरनमेंट होगा, जहां जिस एनवायरनमेंट जितनी उमस होगी उस एनवायरनमेंट में आपकी टेस्टिंग एबिलिटीज भी क्या होती हैं, ऑल्टर होती हैं। तो ह्यूमिडिटी कंडीशन कंट्रोल होनी चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर जो होता है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, बहुत ही चिल्ड नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज्यादा हॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी अराउंड डिजायरेबल टेम्परेचर। और जो शेड्स होते हैं, शेड्स मतलब कि जो लाइटिंग है, जो आपके शेड्स होते हैं, जैसे आपने जो भी मतलब अपनी रूम्स में जैसे भी इतने शेड्स लगा रखे हैं वो आपके नेचुरल शेड्स होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ज्यादा आर्टिफिशियल या बहुत ही ज्यादा आपके फ्लोरल प्रिंट्स वाले शेड्स नहीं होने चाहिए जिससे कि आपका मतलब जो आपका माइंड है वो इधर ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, तो नेचुरल शेड्स होने चाहिए। देन द फोर्थ पॉइंट इज टेस्टिंग बूथ आर लोकेटेड शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द सैंपल प्रिपरेशन रूम एंड वॉशरूम एंड स्टोर बाय द कंप्लीट पार्टीशन। मतलब कि हर रूम के बीच में आपका एक कंप्लीट पार्टीशन वॉल होनी चाहिए जिससे भी किसी एक दूसरे रूम की एक्टिविटी दूसरे रूम पे डिस्टर्ब ना कर सके। ठीक है, तो इसलिए आपका जो लोकेशन है वो सेपरेट होनी चाहिए। ठीक है, सैंपल रूम की अलग, वॉशरूम्स की अलग, आपका तो इन सब में क्या होता है आपका पार्टीशंस होने चाहिए। ठीक है, कोई एक स्ट्रेट रूम में सारी सेटिंग्स नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट रूम फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटीज। टेस्ट रूम शुड बी सेपरेटेड बाय सुटेबल डिस्टेंस फ्रॉम कंजेस्टेड एंड कंजेस्टेड आर बिकॉज द नॉइज एंड द अपॉर्चुनिटी एज दिस वुड प्रोवाइड फॉर अनवॉन्टेड सोशलाइजिंग। ठीक है, मतलब सेपरेशन क्यों हम रखते हैं या डिस्टेंस हम क्यों रखते हैं, जिससे कि वहाँ ज्यादा कंजेस्टेड इन्वायरमेंट प्रेजेंट ना हो सके। ठीक है, ज्यादा नॉइज ना हो सके जिससे कि सोशलिंग जो आपकी सोशलाइजिंग है, ज्यादा लोगों से आप मिलोगे, फिर उनके ओपिनियन सुनोगे और ज्यादा लोग वहां पे होंगे तो वो अनवॉन्टेड सोशलाइजिंग क्या करेगी, कहीं ना कहीं आपकी आपकी सेंसरी इवैल्यूएशन को इफेक्ट करेंगी। ठीक है, तो ये सब चीजें हम अवॉइड करते हैं। तो दीज आर द मेजर पॉइंट दैट यू शुड बी कंसिडर वाइल गोइंग फॉर अ सेंसरी इवैल्यूएशन। नाउ कमिंग विद द रिसेप्शन एंड ब्रीफिंग रूम, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था, इट शुड बी डिजाइन एज टू इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ प्लीजेंट एटीट्यूड एंड मिनिमाइज ट्रैफिक टू द बूथ्स। ठीक है, मतलब आपका ब्रीफिंग रूम या रिसेप्शन क्या होता है, जब जब भी कोई भी आप जैसे किसी भी जगह जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो पहले आपको रिसेप्शन में थोड़े टाइम के लिए आपको वहां बिठाया जाता है। ठीक है, जिससे कि आपका एटीट्यूड जो है वो मेंटेन हो सके और जो आपका बूथ है मतलब जहां आपका मेन इवेल्युएशन चल रहा है वहां पे मिनिमम लोग जाए। ठीक है, मतलब बारी बारी से जाए, जितने ज्यादा लोग हैं वो रिसेप्शन पे वेट करें। ठीक है, जैसे आप किसी भी इंटरव्यू पे भी जाते हैं या फिर आप कहीं किसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम से जाते हैं तो आप पहले रिसेप्शन में बैठते हैं, आप अपनी टर्न का वेट करते हैं जिससे कि आपका जो आपके पैनल बूथ है वहां पे ज्यादा रश ना इकट्ठा हो सके। ठीक है, पैनल मेंबर्स शुड असेंबल देयर रजिस्टर्ड रिसीव द एवेल्युएशन कार्ड एंड ब्रीफ अबाउट द टेस्ट। ठीक है, अब ये ब्रीफिंग रूम है, मतलब कि उसी रिसेप्शन रूम में आपको यह कराया जाएगा। जो तो पैनल मेंबर्स आएंगे वो बताएंगे कि ऐसी रेसिपी है, उसके बारे में ब्रीफ करेंगे, उसमें ये इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। ठीक है, उनको एवेल्युएशन कार्ड के बारे में बताएंगे, उनको रजिस्टर्स देंगे। ठीक है, और जो भी उनको एक्स्ट्रा अपना जहाँ भी उनको अपनी एंट्रीज करनी है, सिग्नेचर करने हैं, तो ये सब चीजें उनको वहाँ उस रूम में करवाई जाएंगी। ठीक है, और स्लाइटली ब्रीफ दिया जाएगा कि आपका ऐसे एवेल्युएशन है या स्कोर कार्ड है या हेडोनिक स्केल है या आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट करना है, आपको जो जो आपको सुटेबल होता है फिर वहाँ उनको उसको ब्रीफ करा जाता है।
पैनल बूथ में आते हैं। पैनल बूथ क्या होता है, आपका जो सेकंड अरेंजमेंट होती है, इसमें जो बूथ आपके होते हैं वो साइड बाय साइड अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, ऑल इन द शेप शेप ऑफ एल शेप, ठीक है, और विथ टू सेट्स ऑफ थ्री और फोर बूथ फेसिंग ईच अदर अक्रॉस द सर्विंग एरिया, ठीक है, आपका सर्विंग एरिया होता है, और एल शेप में आपके सारे बूथ, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे एज्यूम करिए कि स्क्वायर शेप का आपके बूथ होते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर शेप मतलब कि एक एल शेप का बूथ यहाँ होगा, एक एल शेप का बूथ उसके साइड फेसिंग करता हुआ अपोजिट में होगा, ठीक है, तो एक स्क्वायर शेप बन जाता है। उस स्क्वायर शेप में आपके रेसिपीज या आपने जो भी आपको इवेल्युएट करवाना होता है वहाँ रखा हुआ होता है, और फिर वो लोग क्या करते हैं, बारी बारी से जाके उसको चेक करते हैं, ठीक है। द एल शेप रिप्रेजेंट द मोस्ट एफिशियंट यूज ऑफ द वर्क ट्राइंगल कंसेप्ट इन किचन डिजाइन, रिजल्टिंग इन द मिनिमम ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, तो इससे आपका टाइम एंड डिस्टेंस बचता है, और सबसे ज्यादा आपका क्या है, ये एफिशिएंट आपका मतलब क्या कहते हैं, किचन डिजाइन का एक कंसेप्ट है आपका, एल शेप में कोई भी चीज रिप्रेजेंट करना। लाइटिंग ऑफ बूथ शैल बी यूनिफॉर्म एंड ग्लेयर फ्री, ठीक है, अरेंजमेंट जो होती है वहां पे वो व्हाइट या कलर्ड लाइट ही होनी चाहिए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी लाइटिंग ग्लेयर फ्री रहेगी, तो फाल आपके ज्यादा रिफ्लेक्शन कॉज नहीं होगा, आपका जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है, आपकी जो प्री प्रेजेंटेशन है आपके सुटेबल रेसिपीज की या प्रोडक्ट्स की, वो एक यूनिफॉर्म वे में सबको शो होगी। टेम्परेचर इज अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 62% तक होनी चाहिए। टेस्टिंग रूम में ये आइडियल आपका होता है, ठीक है, द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ पैनल बूथ एरिया बाई डिपेंडेंट डोर मे बी यूजफुल टू अवॉइड द एनी कम्युनिकेशन बिटवीन द पैनल मेंबर, मतलब कि एंट्री आप एक डोर से करेंगे, देन एग्जिट आप दूसरे डोर से करेंगे, तो उससे क्या होगा, ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं होगा पैनल मेंबर्स के बीच में, और इंडिपेंडेंट डोर्स होंगे तो आपकी जो रश होगा वो भी कम से कम होगा। तो दिस इज ऑल विद योर लैब सेटिंग एंड योर वर्किंग एनवायरमेंट ऑफ अ सेंसरी वैल्यूएशन। इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।